तो आज हम बना रहे हैं टेस्टी पोहा, जिसके लिए हमने हल्दी ली है, राई ली है, नमक लिया है, चीनी, कड़ी पत्ता ले लिया है, मूंगफली ले ली है, टमाटर लिया है और प्याज लिया है, दो लिए हैं हरी मिर्ची। तो हम करते हैं अब पोहे भिगाने की तैयारी, जिसके लिए लिया है मैंने 1.5 कटोरा पोहा, जिसे कि अच्छे से मैंने 1 बाल्टी पानी डाल के तो लीजिए जी धो दिया था अच्छे से। और बिल्कुल पोहा धोना बिल्कुल ज़रूरी है, अच्छे से धोइए हल्के हाथों से, बहुत अच्छा सा हो जाएगा ये, भीग जाता है पोहा, टूटता नहीं है, फटाफट से धो के इसे छन्नी में छान लीजिए। इस जगह पर आज बना रहा है राहुल, तो इसने डाला है इसमें चीनी थोड़ी सी, और चीनी डाल के ना पूरे पोहे को अच्छे से मिक्स किया है ताकि चीनी इसमें घुल जाए अच्छे से और टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। तो लीजिए अब यहाँ करते हैं हम प्याज काटने की तैयारी। प्याज काट लीजिए बारीक बारीक, लेकिन थोड़ा सा मोटा कटा है, कोई नहीं जी चलता है। तो इस तरह से आप काटेंगे प्याज और काटेंगे टमाटर, टमाटर को हमने बारीक काट लिया है, ये सब चीज़ें जाएंगी ऊपर से इसलिए हमें बारीक काटनी है। और ले ली है हमने हरी मिर्च, तीखी वाली हरी मिर्च है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ले लिया था एक नींबू, तो एक नींबू तो नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। यहाँ पर भून लिए मूंगफली, और इसी तेल में अब हम डालेंगे, थोड़ा सा तड़का बनाते हैं, जिसके लिए डाल देंगे राई और डालेंगे कड़ी पत्ता। लीजिए जी कड़ी पत्ता, हो, आप ज़रूर से कड़ी पत्ता धोए ना तो पोंछ लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल फेस को चार्ज करने के लिए आ जाता है, छींटे मारता है। और इस जगह पे हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे बस जी। थोड़ा नमक डालने के बाद हो गया हमारा ये तड़का तैयार। अब इसमें हम डाल देते हैं भीगा हुआ पोहा, जिसे हम इस मसाले में अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो लाल मिर्च अगर नहीं डालेंगे ना, सिर्फ हल्दी डालेंगे तो ही इतना प्यारा सा कलर आएगा। और इसे अच्छे से कर लीजिए जी मिक्स, हो गए सारे मसाले इस पोहे में मिक्स। तो अब हम डाल देते हैं ऊपर से थोड़ा सा टमाटर डालते हैं, थोड़ा सा डालते हैं हम प्याज, हरी मिर्च हमने पहले डाल दी है, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और लीजिए जी अब आ गया है हमारे मुंह में पानी, क्योंकि नींबू कट रहा है, जहाँ नींबू कटता है वहाँ मुंह में पानी ज़रूर आ जाता है। और यहाँ पर अब डाल देते हैं आधे से थोड़ा सा कम नींबू, जो कि गैस बंद करने के बाद, कभी भी गर्म गैस पे या गर्म चीज़ पे पोहा ना सॉरी नींबू डालेंगे ना तो वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने गैस बंद की हुई है तभी हमने नींबू डाला है। अब डालते हैं एक बोल में पोहा, और ले लिए हल्दीराम की भुजिया, भुजिया डालिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है पोहा। ऊपर से डाला है थोड़ा सा प्याज और टमाटर, फिर डाल दी थी भुनी हुई मूँगफली। तो देखिए जी हरा धनिया है तो हरा धनिया भी डाल दीजिए, हमको तो हरा धनिया आजकल बाजार में भी नहीं मिल रहा है। तो बन गया है सुपर टेस्टी पोहा, खाइए बनाइए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना था। बाय बाय।